नमस्कार, मेरा नाम सान्या छाबरा है और इस बार की UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 84th रैंक हासिल किया है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ डूज एंड डोंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं मेंस की तैयारी करते समय। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम जानेंगे तो हमारी मेंस की तैयारी थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। तो पहला डू ये है कि हर टॉपिक या हर कीवर्ड जो सिलेबस में मेंशनड है उसके ऊपर आपके वन पेजर और मे बी थोड़े बड़े नोट्स होने चाहिए, सो दैट हर टॉपिक के ऊपर या हर वर्ड के ऊपर आपके पास कुछ मटेरियल है जिसके बेसिस पे आप आंसर्स लिख सकते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें और सिलेबस को देखें तो ये जानने को मिलता है कि काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो डायरेक्टली सिलेबस के जो वर्ड्स लिखे हैं उन्हीं को उठा के आ रहे हैं। तो अगर हम हर टॉपिक पे या हर वर्ड पे कुछ मटेरियल ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखते हैं तो एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग थोड़ा ईजी हो जाता है। तो पहला सजेशन ये रहेगा कि हर टॉपिक पे आपके पास कुछ मटेरियल सब्सटैंशियल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस टेस्ट करने मेंस के प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़रूरी है। कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और याद रखें कि टेस्ट को उसी तरह से करना है जैसे एग्ज़ाम में 3 घंटे में बैठ के पेपर लिखना है, सो दैट आपके दिमाग में ये रहे कि 3 घंटे में पेपर कैसे लिखा जाता है और आप मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप कर लें क्योंकि 1 दिन में 2 पेपर होते हैं। तो कोशिश रहे कि आप ऐसे 2 बार एटलीस्ट एग्जामिनेशन मोड में ही 4-5 दिन बैठ के दिन में 2 पेपर लिखें, सो दैट आप वो डेवलप कर लें हैबिट कि कैसे हमें दिन में 2 पेपर 3-3 घंटे के लिखने हैं और सारे आंसर्स भी कंप्लीट करने हैं और क्वालिटी ऑफ आंसर्स भी ठीक रखनी है। इसीलिए इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करें एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। थर्ड सजेशन ये रहेगा कि जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्टिव वर्ड गिवन होता है, क्रिटिकली एग्जामिन या सब्सटैंशिएट या कॉमेंट या एक्सप्लेन, उसको आप ध्यान में रखें। जब आप उसको ध्यान में रखते हैं तो आंसर अटेम्प्ट करना ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कीवर्ड को या जो डायरेक्टिव है उसको समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें आंसर को क्या डायरेक्शन देनी है और उस डायरेक्शन से आप बिल्कुल उसी मार्क पे हिट करेंगे जहाँ पे एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा है, जो एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढ रहा है वो उसे दिख जाएगा। उसकी बजाय अगर हम सिंपली लिखना शुरू कर देंगे बिना देखे कि एग्जामिनर क्या डिमांड कर रहा है तो चांसेस हैं कि जो मेन इशू है वो कहीं नज़रअंदाज हो जाएगा और बाकी चीज़ें ऊपर उठ के आने लगेंगी। तो ज़रूरी है कि डायरेक्टिव को फॉलो करें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखें। चौथा ये रहेगा कि हर पेपर में, चाहे वो एसए है, एथिक्स है, जीएस है या फिर ऑप्शनल है, उसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का एलिमेंट ज़रूर लेके आए। जैसे मेरा सोशोलॉजी ऑप्शनल था तो सोशोलॉजी पेपर 2 काफ़ी इंडियन सोसाइटी के साथ डील करता है, सोशोलॉजी का पेपर 1 थोड़ा स्टैटिक साइड में आता है, बट मैंने पेपर 1 में भी इंडियन सोसाइटी के एग्जाम्पल्स डाले, जो करंट में थे वो भी डाले और पेपर 2 में तो डाले ही। और वैसे ही जीएस में भी, एसए में, एथिक्स में, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं कोशिश रहे कि उसका कुछ ना कुछ एलिमेंट केस स्टडी की फॉर्म में, एग्जाम्पल की फॉर्म में, किसी भी तरह वो आपके जीएस में भी ऐड हो। पांचवा ये कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगर हम ये समझ लेंगे तो आधा काम उसी में हो जाता है। अगर आप सिंपली, आपने देखा कि विमेन ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन है और उसका एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन दे दिया, उसकी कैसे वो ओरिजिन हुआ और कैसे उसका अभी चल रहा है वो सब दे दिया, तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो नज़रअंदाज हो गया। इसीलिए ध्यान रहे कि आप पूरा क्वेश्चन आराम से ध्यान से पढ़ें और फिर जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही आंसर करें, एक पॉजिटिव कंक्लूजन दें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, एक अच्छा स्ट्रक्चर देके अगर आप आंसर को लिखते हैं तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। नेक्स्ट ये कि आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल लिखें। अगर आपसे कोई भी स्पेसिफिक इशू पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उससे सराउंडिंग और पर्सपेक्टिव से उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें और आंसर लिखें। अगर कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चन है या पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो आप उसमें इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल या टेक्नोलॉजिकल और मे बी लीगल एंगल डाल के उसको एक मल्टी डायमेंशनल आंसर बना सकते हैं। उससे आपके मार्क्स और क्वालिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। लास्टली, अपने आंसर्स को इंटरेस्टिंग बनाएं। जो आपकी आंसर कॉपी है वो विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए और वो विजुअली अपीलिंग तब होती है जब आप कुछ आंसर्स पैराग्राफ्स में लिखते हैं,
कुछ पॉइंट्स में लिखते हैं, कुछ मैप्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, तो उस तरह से आपकी जो मोनोटोनस नेचर है पेपर की वो ख़त्म हो जाती है और आंसर्स थोड़े अपीलिंग लगने लगते हैं। तो कोशिश रहे कि आप आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल भी लिखें और इंटरेस्टिंग तरह से भी लिखें। ये थे कुछ डूज जो आपको करने चाहिए ड्यूरिंग मेंस प्रिपरेशन एंड मेंस आंसर राइटिंग। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो डोंट्स हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। पहला ये कि सिर्फ कंप्लीट करने पे फोकस ना करें। अगर आप यही फोकस करते हैं कि मुझे पेपर कंप्लीट करना है, तो ये रहता है कि कई बार क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो कोशिश रहे कि क्वालिटी और क्वांटिटी पे इक्वल बैलेंस मेंटेन करके चलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स का जो मार्जिन है, स्पेशली ऑप्शनल एसे और एथिक्स में, वो काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा ये कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा समय ना बिताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है तो हर टॉपिक पे एक डिसेंट डेप्थ तक पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं और उस पर आंसर्स लिखें। लेकिन ऐसा ना करें कि एक टॉपिक को इतनी डिटेल में पढ़ लिया कि बाकी टॉपिक्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला। तो अगर आपको हर चीज़ को बैलेंस करना है, एसे, एथिक्स, जीएस 1-2-3 और ऑप्शनल और ऑब्वियसली जो रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश का पेपर है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर टॉपिक को एक अच्छी डेप्थ तक पढ़ें बट बहुत डिटेल में नहीं जाएं, ताकि आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। तीसरा ये कि एसे और एथिक्स को नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मार्जिन जो है मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ज़्यादा मार्जिन से आप पीछे रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीज़न ये कि एसे में और एथिक्स में जो स्कोर का डिफरेंस है, जो रेंज है, वो काफ़ी रहता है। तो अगर आप एसे पे थोड़ा सा वर्क करते हैं, एथिक्स पे वर्क करते हैं, तो आपके मार्क्स का जो स्कोर है उसका मार्जिन काफ़ी आगे चला जाता है। उसके बाद इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज में आप पेपर लिखते हैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं करें, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं पर ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं हो पाता है। तो क्वालिफाई करना ज़रूरी है, चाहे आप उसको थोड़ा पढ़ें बट ज़रूर पढ़ के जाएँ। बिना पढ़े अगर पेपर में जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी नई मटीरियल या नई बुक्स इस समय पर ना उठाएँ। जो आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हैं, कुछ पेंडिंग टॉपिक है वो ज़रूर कर लेना, लेकिन अगर जो पहले टॉपिक करें उसी के ऊपर आप नई किताबें अब पढ़ेंगे तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इतना कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो पाएगा। इंस्टेड जो आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट लिखते हैं, उसकी डिस्कशन से वैल्यू एडिशन ज़रूर करें, लेकिन नया मटेरियल पढ़ने से थोड़ा सा दूर रहें। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें, उसके ऊपर टेस्ट लिखें और इसी साइकिल को आप रिपीट करें, तो चांसेस हैं कि आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और पेपर में जाने से पहले अपनी तैयारी को अनप्रिपेयर्ड या अंडर प्रिपेयर्ड नहीं समझें। आपने प्रिलिम्स किया है, रिवाइज किया है, तैयारी करी है, टेस्ट लिखे हैं, आप मेंस ज़रूर कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑन अपकमिंग वीडियोज़।